अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ओन काजमी और आप लोग देख रहे हैं मेरे फेसबुक लाइव और यूट्यूब ओन काजमी ऑफिशियल का जो हमारा सफ़र है। आज मैं बाय रोड जो है ईरान इराक ज़ियारत के लिए जा रहा था, तो मैं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ, पहले मैं तफ्ताल से गया था। मैंने कहा आप लोगों के साथ यहाँ का जो है वो एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। और ये आप लोग देख सकते हैं कि मैं भी गवादर की तरफ से ईरान इराक ईरान और पाकिस्तान के जो है बॉर्डर पर हूँ। ये पीछे इराक का झंडा है, ईरान का झंडा पाकिस्तान का है, इराक ईरान का है। और आगे की अपडेट मैं आपको शेयर करता हूँ। माशाल्लाह जहरीली मौसम बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। अब देख रहे हैं कि लाइन में लोग लगे हुए हैं, इमिग्रेशन पे वेट कर रहे हैं। ये इमिग्रेशन ऑफिस है और आगे की अपडेट में आपको देखते हैं। ईरान के हदूद में जाते हुए ये पाकिस्तान के हदूद से ईरान के बैरियर के अंदर एंटर हो रहे हैं। देख सकते हैं हमारी चेकिंग भी होगी सामान की, तो हम पाकिस्तानी हदूद क्रॉस करके ईरान के हदूद में आ चुके हैं। ईरानी फ्लैग और अब ये देख सकते हैं कि रमदान बॉर्डर पर आ चुके हैं। हम ईरान में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ पर हमारी इमिग्रेशन होगी, इमिग्रेशन से फायर एग्जिट, वहाँ से हम देखेंगे फ्लाइट में लगी तो फ्लाइट नहीं तो हम बसेज पकड़ कर मस्जिद के लिए रवाना होंगे। ईरान के दूध में दाखिल हो चुके हैं और यहाँ पर तो एक नया कन्वेंशन अभी बनाया हुआ है। यहाँ पर ब्लड टेस्ट ले रहे हैं और दूसरा जो है यहाँ पर पासपोर्ट जमा कर लिए, इनके सिस्टम को भी मसला रहा है। अब ये देख सकते हैं जहरीन की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। देखिए 2 घंटे लगते हैं, 3 लगते हैं, तो जब तक इंशाल्लाह हम यहाँ से निकलते हैं तो फिर मैं आपको आगे की वीडियो जो है शेयर कर दूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि बाकी ज़रीन के लिए भी जो है वो यहाँ की इन्फॉर्मेशन आ सके। और यहाँ का मौसम जो है वो गर्मी है, काफ़ी लोग जो है वो जैकेट्स और कंबल वगैरह लेके आ रहे हैं, लेकिन नॉर्मल गर्मी का मौसम है, नॉर्मल टी शर्ट्स और नॉर्मल जो है आप कपड़े लेके हैं जी। तो मैं चाह बाहर से निकले हुए मुसलसल 12 घंटे हो गए, कैबिनेट भी आ गई है, बस अभी उठते हैं, मैंने कहा फेस वॉश वगैरह। और इसके अलावा जो है अभी जैदान तकरीबन 9 किलोमीटर पड़ा है, पूरी रात का सफ़र कर चुके हैं, थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है, बुरी हालत है। और ये हमारे आगे हैं दानियाल भाई। दानियाल भाई क्या हाल चाल है? बुरे हाल है, बुला दिया आपने, मैंने बुलाया। दानियाल भाई क्या कर रहे हैं? सलार आप हैं हमारे, तो बस अभी जो है इंशाल्लाह जैदान पहुँचेंगे, जैदान में जाकर स्टे करेंगे, आगे देखेंगे फिर आगे की लाया मुझे क्या आता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है 12-13 घंटे का सफ़र के बाद जो है, वैसे तो हम 3 दिन से जाग रहे हैं, 13 घंटे के सफ़र के बाद हम रमदान से अभी जैदान पहुँचे हैं। अभी हम जैदान टर्मिनल पर हैं, अभी हमें मज़ीद आगे जो है यहाँ से 8 से 10 घंटे लगेंगे मस्जिद के लिए, तो इंशाल्लाह ताला मस्जिद पहुँच कर हम आपको अपडेट भी देंगे। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ख्याल रखिएगा। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लेंगे, सब्सक्राइब नहीं किया हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा हमारी वीडियोज़ आपको कैसे लगी हैं, बहुत शुक्रिया। खैर से हम इंशाल्लाह अभी निकल पड़े हैं, 10 मिनट में तक निकल जाएंगे जैदान टर्मिनल से। हमारी बस ये देखें रेडी है और इसके अलावा जो है इंशाल्लाह ताला 12 घंटे का हमारा सफ़र होगा। आगे की अपडेट जो है हम आपके साथ शेयर भी करेंगे और सारी ज़रात भी आप लोग को लाइव भी करेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए ये हम टर्मिनल से निकल रहे हैं, ये सामने वाला रोड जो है मीर जावा को जाता है, जो जो है मीर जावा अपना कौन सा बॉर्डर है यार, ये कौन सा बॉर्डर है? नहीं नहीं दूसरा जो है तफ्तान बॉर्डर को मीर जावा जाता है। इसके बिल्कुल जो अपोजिट रोड है, वो जो जाता है जिससे हम जैदान से, तो अभी हम बाड़ी हैं। फ्लाइट तो बहुत की थी, मैं ऑलरेडी 5-6 दिन का जश्न हुआ, जैसे आपको पता है कि जश्न की वजह से मुझसे भी आते हैं जश्न थे कि मैंने ट्राई की यहाँ से कि मुझे जो ना वायर जैदान से जो है मशद के लिए फ्लाइट मिल गई, लेकिन फ्लाइट जो है वो अवेलेबल नहीं थी। लेकिन अलहमदिल्ला फिर भी मैं बिजनेस क्लास बस मिल गया, हम 3 दिन से पहले भी ट्रैवल कर रहे हैं, मैं तो लाहौर से जो है कराची पहुँचा, कराची से गवादर, गवादर से फिर रमदान से जो है फिर जैदान पहुँचा, अब जैदान से भी है मेरा सफ़र जो है मशहद की तरफ जारी हो सारी है, फिर हम वहाँ से चले की तरफ ट्रैवल करेंगे। मैं आपको ईरान की बिज़नेस क्लास बसेज दिखाता हूँ, ये देखिए जी ये बिज़नेस क्लास बसेज है, इसी सीट्स चेक करें,
कितनी खुली कंफर्टेबल सीट्स हैं और पाकिस्तान के मुकाबले में ये बहुत ही मुनासिब फेयर में सीट्स हैं, बहुत ही मुनासिब फेयर में। तो इसका जो फेयर होगा इंशाल्लाह मैं आपको प्राइस जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो है इंशाल्लाह मैं आपको मेंशन कर दूँगा। ये देखिए जी रास्ते में हम शीशा लगवा रहे हैं गाड़ी का, ये लोड करें, ये कारीगर यहाँ पर शीशा लगा रहे हैं। ये जी अब गाड़ी का शीशा फिक्स कर रहे हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट हमें आधा घंटा हो गया है। ये बिज़नेस क्लास जो हमारी गाड़ी थी जिस पे हम जैदान से मशहूर जा रहे हैं, ये यहाँ पे ये देखें ये शीशा फिक्स कर रहे हैं। देखें ये ईरान में कैसे शीशा फिक्स करते हैं, ये देखें ये दुकान है लिखा हुआ है पर शीशा आतोबोस, आतोबोस कहते हैं बस को, कार ग्लास कार वो छोटी कारों को जो कहते हैं। ये देखें जी ये शीशा फिक्स कर रहे हैं यहाँ पर जी। तो अब रेस्टोरेंट पहुँचे अभी खाना ऑर्डर कर रहे हैं। ये देखें ये चावल है और ये ये इनके मास है और ये मिटावा बोलते हैं फारसी में इसको बोतल को जमजम है जमजम क्या कहते हैं। ये इनका अपना ब्रांड है एकदम जमजम। और ये देखें ये नुशाब लगा रहे हैं यहाँ पे, ये वो है सॉरी आगा नाम भूल गया क्या है इसका मुझे, हाँ जुजा कबाब जुल्लू कबाब दूसरा होता है ना, जुल्लू कबाब दूसरा होता है ना वो जो चिकन और वो रख के देते हैं। और ये देखें ये रेस्टोरेंट है, ये बैठे हैं हमारे डेवो के ड्राइवर, हेलो कर दो भाई। हम जो क्रेडिट से कैश कर रहे हैं ये देखें, ये भी क्रेडिट दिया क्रेडिट से यहाँ कैश किया। तो यहाँ पे ईरान में सारा कैश है ऑनलाइन होता है, मतलब यहाँ बैंक वाला कोई सिस्टम नहीं है। ये देखिए जैसे हमने चार कबाब और ये कोल्ड ड्रिंक और ये सारा कुछ ऑर्डर किया, तो ये तकरीबन 3 लाख रियाल जो है वो ईरानी काटे हैं। ये देखें आप कैश में, मैं अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ ये भी आप लोगों के साथ अपनी उम्र के साथ शेयर कर दूँ। अगर ये कितने 3 लाख काटे रहे उन्होंने पाकिस्तानी तकरीबन कितने जाके बने गए ऑलमोस्ट 3 लाख राउंड अबाउट बन जाएंगे तकरीबन ये 2500 के करीब बन जाएंगे पाकिस्तानी 2500 के करीब जो है। ये इन्होंने सिर्फ 3 कबाब दिए हमें, सिर्फ 4 कबाब दिए और ये 4 साल में शादी दी है। ये देखिए जी खाना रेडी हो गया है, हम ले लेंगे खाना और ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम मस्जिद पहुंच चुके हैं, बस उतर रहे हैं। ये मैंने बैग अपना उठा लिया है, बस खाली हो गई है। सुबह के 3 का टाइम हो गया है और हम लोग वहां से निकले थे 12 बजे, 1, 2, 3 का 9, 10 तकरीबन 12 से 13 घंटे लग गए हैं। ये सामान है ये टर्मिनल पे है, ये मस्जिद है और इंशाल्लाह ताला आगे भी ये पहुँच कर आपको आगे की अपडेट जो है इंशाल्लाह मैं देता हूँ, आगे दिखाता भी हूँ मस्जिद के शहर और बाकी आपको इंशाल्लाह ब्लॉग में पूरी डिटेल दूँगा। टैक्सी कर ली है ये मुसाफिर खाने में जो होटल ले जाएगी वो ले जाएगी, ये लगी 35 सुम्मा। हम अभी टैक्सी में बैठेंगे और इंशाल्लाह ताला फिर की तरफ रवाना दवा हो जाएंगे अपने सफर की तरफ जी। तो हम गाड़ी में बैठ गए हैं फाइनली, ये पीछे शहजादे बैठे हैं मेरे, आपको हल्के हल्के नज़र आ रहे होंगे बेचारे थके हुए इस टाइम, और हम निकल पड़े हैं अभी और इंशाल्लाह ताला आज यहाँ कुछ और हफ्ते हम शाबान का महीना है और उन्होंने मशहद को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है। आप लोग अपनी आंखों से ये मंजर देख सकते हैं, बल्कि आप लोगों की खुशकिस्मती है कि जो जो लोग जहाँ जहाँ पर भी ये वीडियो देख रहे हैं, जहाँ जहाँ पर भी मौला के हरम की ज़ियारत कर रहे हैं, वो इस वीडियो को शेयर करें, दुरूद पढ़ें और अपने घर वालों को दिखाएं। जो लोग जहाँ भी बैठे हैं जो अभी ज़ियारत पर नहीं आ सकते या कोरोना की वजह से या दूसरी मसाइल की वजह से, और हम अपने इमाम को इमाम के हरम को सामने देख कर हम सब दुआ करते हैं, दुआ गो हैं कि जो जो लोग जहाँ भी हैं वो जल्द ज़ियारत को पहुँचें और जो जो लोग जिन मुश्किलात में हैं मौला उनकी परेशानियाँ दूर फरमाएँ। ये सामने हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम है, मौला वाले खरसान सब लोग जहाँ भी बैठे हैं दुरूद भी पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद, मौला की ज़ियारत करें और अपने वालदैन को अपने घर वालों को अपने रिश्तेदारों को जो जो जहाँ भी बैठे हैं जो ज़ियारत पर नहीं है उनको भी ज़रूर ये वीडियो दिखाएं ताकि वो भी मौला की ज़ियारत कर सकें।